Welcome to my channel. Today my topic of discussion is a famous poem written by William Blake, The Chimney Sweeper. इसी सेम नेम की विलियम ब्लैक ने दो पोइम्स लिखी हैं अपने कलेक्शन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस में. पहली जो चिमनी स्वीपर पब्लिश हुई है वो द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई है 1789 में, और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे मौजूद है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में. ये पब्लिश हुई है 1794 में. 12 लाइंस की ये पोएम है, डिवाइड किया गया है 3 क्वार्टेंस में, मींस 4 लाइंस का एक स्टेंजा है और 3 टोटल स्टेंजाज. राइमिंग स्कीम हर एक क्वार्टेंस की जो है वो है ए ए बी बी. थीम की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें जो थीम दिखाई गई है वो है रिलीजन और चाइल्डहुड. लास्ट जो चिमनी स्वीपर थी उसमें विलियम ब्लैक ने चाइल्ड लेबर को क्रिटिसाइज़ किया था. अब हम देख रहे हैं कि वो उसने चाइल्ड लेबर को पॉइंट करने के साथ साथ रिलीजन और अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि यही लोग हैं रिस्पॉन्सिबल इस चाइल्ड लेबर के लिए. 18th और 19th सेंचुरी की बात है, तब चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड में और तब उसको कोई ऐसा बुरा नहीं समझा जाता था. ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी तो लोग अपने घरों में चिमनीज वगैरह का यूज़ करते थे. और इसके अलावा डेवलपमेंट हो रही थी इंडस्ट्रियल, तो फैक्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी सफाई, उनमें चिमनीज़ की सफाई वगैरह के लिए छोटे बच्चों की ज़रूरत पड़ती थी. तो ज़रूरतमंद लोग अपने छोटे 4-5 साल के बच्चों को सेल आउट करते थे इस काम के लिए. विलियम ब्लैक को ये चीज़ बहुत हर्ट करती थी. बाज़ औक़ात बच्चे चिमनीज़ की सफाई करते हुए ऊपर से गिरते तो उनकी डेथ हो जाती थी, या फिर उस सूट में, उस कालिक में सांस लेते लेते उनके फेफड़े, उनके लंग्स फेल हो जाते थे, उस वजह से भी उनकी डेथ हो जाती थी. तो विलियम ब्लैक ने इस पॉइंट में आगे चाइल्ड लेबर को पॉइंट करने के साथ साथ क्रिटिसाइज किया रिलीजन और अथॉरिटीज़ को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. पोइम की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम पोइट के बारे में देख लें तो बर्थ हुआ है विलियम ब्लैक का 28 नवंबर को 1757, डेथ हुई है 12 अगस्त 1827 में. बहुत ही फेमस पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज के, और उनका जो ज़्यादातर फेमस वर्क है जिनकी वजह से उनको एक मकाम, नेम, फेम, एक प्लेस मिली है इंग्लिश लिटरेचर में, वो है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस. इसके अलावा भी काफ़ी फेमस वर्क हैं जैसे द मैरिज ऑफ हीवन एंड हेल, जेरुसलम, मिल्टन, द फोर जॉस, काफ़ी फेमस वर्क्स हैं. और मोस्टली जो फेम और नेम मिला वो है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस. टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की वीडियो. अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, एक छोटी सी काली सी चीज़ स्नो के, वाइट वाइट स्नो के दरमियान, जो कि स्पीकर को नज़र आई है. दरअसल ये छोटी काली चीज़ जो है ये एक छोटा सा बच्चा है जो चिमनीज़ को साफ़ करते करते उस पर कालिक लग गया है, तो वो काला सा है और वाइट स्नो में वो बिल्कुल चमक रहा है, नज़र आ रहा है. क्राइम वीप वीप इन द नोट्स ऑफ वो, स्पीकर बता रहा है, उसके दर्द को बयान कर रहा है कि किस तरह वो काली सी छोटी सी चीज़ स्नो के अंदर रो रही है, अपने दुख दर्द को बयान कर रही है. वेयर आर दाई फादर एंड मदर, से स्पीकर पूछ रहा है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, बताओ मुझे. और बच्चा रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है, दे आर बोथ गोन अप टू द चर्च टू प्रे, कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोड़ के वो गए हैं चर्च में प्रे करने के लिए. बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ, क्योंकि मैं खुश रहता था झाड़ियों भरे खारदार मैदानों में भी मैं खुश रहा करता था. एंड स्माइल एमंग द विंटर स्नो, और विंटर की स्नो में, ठंड में, जब विंटर्स में स्नो पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती थी, मैं उसमें भी स्माइल करता हुआ हंसता खेलता नज़र आता था. दरअसल जो इन दो लाइनों से वो बात अखज कर रहा है वो ये है कि वो बच्चा बता रहा है, क्योंकि मैं हर हाल में राजी खुश रहा, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद मैं हर तरह से खुश हूँ. दे क्लॉथ मी इन द क्लॉथ्स ऑफ डेथ, तो उन्होंने मुझे ये इस काम में लगा दिया, क्लॉथ्स ऑफ डेथ पहना दिए, ये डेथ के क्लॉथ्स, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बाज़ औक़ात इस काम में बच्चों की डेथ हो जाती थी. तो वो कह रहा है क्योंकि मैं हर हाल में खुश था, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझे वो इस काम में लगा दें,
तो उन्होंने मुझे ये क्लॉथ्स ऑफ डेथ पहना दिए, चिमनी स्वीपिंग के काम में लगा दिया, एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और मुझे सिखा दिया है कि मैं ये दुख दर्द भरे गाने गाता रहूँ, दे टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मैं परेशान नहीं हूँ। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, और क्योंकि मैं खुश नज़र आ रहा हूँ, मैं नाचता भी हूँ, मैं गाता भी हूँ, और इस दुख दर्द अपने दर्द को गाने के जरिए बयान करता हूँ, दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ बाप को लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, कोई नुकसान मुझे नहीं पहुँचाया, क्योंकि मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। एंड आई हैव गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज क्राइस्ट एंड किंग, और वो अब गए हुए हैं चर्च में खुदा को, गॉड को प्रेज करने के लिए, और क्राइस्ट को, और वहाँ के पुजारी को प्रेज करने के लिए, और जो उस टाइम का किंग है वहाँ का, उसके लिए। तो किंग्स, क्राइस्ट और गॉड्स को प्रेज करने जा रहे हैं कि उनकी वजह से ये हुआ है कि उनको मेरे काम की वजह से पैसा मिल रहा है। हु मेक अप अ हिवन ऑफ आवर माइस्ट्री, और फिर वो गॉड, क्राइस्ट और किंग को जिम्मेदार ठहरा रहा है फॉर मेकिंग अप हिवन ऑफ आवर माइजरी, के वो हमारी इस माइजरी, हमारे इस दुख दर्द और इस मुशक्क़त के बदले में अपने लिए हिवन बना रहे हैं, यानी कि डेवलप्ड हो रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं, पैसा हासिल कर रहे हैं आउट ऑफ आवर माइजरी, हमारे इस दुख दर्द और इस मुशक्क़त के बदले में उन्हें तो एक हिवन हासिल हो रही है, वो डेवलप्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे उसने गॉड, किंग, क्राइस्ट को क्रिटिसाइज़ किया है विलियम ब्लैक ने इस चाइल्ड लेबर के लिए। सो दैट्स ऑल, आई होप आई डिड वेल, अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, अल्लाह हाफिज़।